नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है कोटक मिड कैप 50 ETF फंड। ये एक ओपन एंडेड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 6 जनवरी 2022 को और क्लोज होने वाला है 20 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं कोटक मिड कैप 50 ETF के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप इस एनएफओ में या तो फिर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो 150 मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, मतलब कि मिड कैप कैटेगरी में जो 150 स्टॉक्स होते हैं उसमें से टॉप के 50 स्टॉक्स के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सीरियल वाइज देखें निफ्टी के 101 से लेके 150वें नंबर के जो स्टॉक्स है उसी 50 स्टॉक्स के अंदर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर का कितना वेटेज इस इंडेक्स में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का 20.52%, फिर ऑटोमोबाइल 11.33%, फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 11.26%, आईटी 11.03%, उसके बाद केमिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, पावर, सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, फार्मा, कंज्यूमर सर्विसेज, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स एंड टेलीकॉम। इतने सारे सेक्टर्स इस इंडेक्स के अंदर अवेलेबल है और इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक है टाटा पावर 4.5%, उसके बाद में है SRF 4.23%, फिर माइंडट्री लिमिटेड 3.70%, फिर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, फिर वोल्टास, फिर एम्फेसिस, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ट्रेंट एंड पेज इंडस्ट्रीज। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका वेटेज। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न के बारे में। यहाँ पर इस इंडेक्स का एक साल का रिटर्न है 44.91%, 5 साल का रिटर्न है 19.31%, और सिंस इंसेप्शन का टोटल रिटर्न है 14.06%। मतलब कि इसकी बेस डेट के हिसाब से देखे जाए तो करीब 17 साल का रिटर्न है 14.06%। मतलब कि इस इंडेक्स ने करीब 17 साल में 14.06% का टोटल रिटर्न दिया है। अगर आप भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये हो गई जानकारी इस स्कीम के बेंचमार्क के बारे में कि कहां पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे इस स्कीम के एसेट एलोकेशन के बारे में कि कितना एसेट एलोकेशन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है। तो यहां पर 95 से लेके 100% तक का एसेट एलोकेशन निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के इक्विटी एंड उसके डेरिवेटिव्स में होने वाला है, जबकि 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है। इस स्कीम में आप मिनिमम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और 1 रुपये के मल्टीपल से आगे बढ़ सकते हैं। स्कीम के फंड मैनेजर है मिस्टर देवेंद्र सिंघल, मिस्टर सतीश दौंदापति एंड मिस्टर अभिषेक बिसेन। स्कीम के प्लान और ऑप्शन की बात करें तो ये एक ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लान और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर कर सकते हैं। स्कीम में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है, एग्जिट लोड नील है क्योंकि एक ETF प्रकार की स्कीम है, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास रहने की संभावना है। इसका रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको इसी प्रकार से लंबे समय के लिए प्लानिंग करके इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट के जरिए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद वहीं पर ट्रेड होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कोटक मिड कैप 50 ETF फंड के बारे में।
मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।